अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अर्निंग साइट का रिव्यू। उस पर मैंने विड्रा किया था पिछले दिनों, तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं विड्रा प्रूफ दिखाता हूँ कि ये वाकई विड्रा देती है कि नहीं। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है जी एटी अर्निंग के नाम से एक साइट है। इसमें 370 रुपये का इन्वेस्ट है और उसके बाद आपको 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो है ना लॉगिन आईडी एक्टिव हो जाती है। और अगर ना हुई तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दिया जाएगा और नंबर भी दे दिया जाएगा एडमिन का। आप इनसे रابطہ करके या मुझसे रابطہ करके जो है ना अपनी एक्टिवेशन करवा सकते हैं। इसमें एड्स देखनी होती हैं और पर एड के आपको कुछ पैसे मिलते हैं। 5 एड्स देखनी होती हैं। इसमें असल अर्निंग जो है वो रैपर की है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, एड्स की अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं है, रैपर की अर्निंग है। आप अगर आप एक एड एक रैफर बनाते हो तो उसके 130 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह दो ऐड बनाओगे तो 130 उसके मिल जाएंगे, तीसरा दोस्त ऐड कराओगे उसके मिल जाएंगे। इस तरह अगर आप इसमें कम से कम 10 बंदे ऐड करवा लेते हो, ठीक है, तो फिर आपकी अर्निंग जो है ना वो सही मायनों में स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 10 होने चाहिए और इन 10 बंदों को लाना आजकल मुश्किल नहीं है। 10 तो इंसान के दोस्त होते हैं। जो 370 पे जहाँ तक बात है 370 की, तो ये आजकल तो ये महीने का सॉरी हफ्ते का पैकेज लग जाता है 300 प्लस में, तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग मस्ट ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी इंजॉय करें। अगर आप, मैं बता रहा था कि अगर आप कर लेते हैं 10 फ्रेंड्स को ऐड कर लेते हैं मिनिमम, ठीक है, रेफर बनवा लेते हैं अपना, 1300 रुपये तो आपको वैसे उनकी रेफरिंग के आ जाएंगे। उसके बाद होगा ये कि आपके ऐड के पैसे जो है ना वो बढ़ जाएंगे। 10 फ्रेंड्स के आने के बाद आपके तकरीबन जो है ना वो डेली के 100 रुपये इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो 5 ऐड्स होती हैं तो 100 रुपये अगर आए वो 3000 रुपये बनते हैं। इस तरह अगर ज़्यादा आवाम आती जाएगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।